हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफर यूट्यूब चैनल नैनो सिंह। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट को यूज़ करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी पिन पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ओके गूगल बोलिए और आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को, हम जानेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। दोस्तों, गूगल वॉइस असिस्टेंट आजकल हम और आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। चाहे हमें कुछ भी ड्राइविंग डायरेक्शंस पूछनी हो, चाहे कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हम सिंपली गूगल को ओके गूगल बोल के कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। हमें कुछ भी टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती और हमें बड़ी आसानी से अपना आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, गूगल असिस्टेंट को यूज़ करके आप अपने फ़ोन को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हम जानेंगे किस तरीके से ये फीचर काम करता है और आप इसको किस तरीके से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 7.0 से ऊपर का वर्जन आप अपने फ़ोन में चला रहे हैं, तो आपके फ़ोन में डेफिनेटली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। तो आपको सिंपली उस फीचर को इनेबल करना है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड 7.0 से नीचे और एंड्रॉयड 5.0 या उससे ऊपर का वर्जन चला रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है आपके फ़ोन में डाउनलोड करना पड़े। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो वो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट नहीं है तो। अब डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि फ़ोन की मेन सेटिंग्स में जाना है आपको, और वहाँ पे नीचे गूगल का एक ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे वॉइस असिस्टेंट एंड सर्च करके एक ऑप्शन होगा जो कि गूगल असिस्टेंट से रिलेटेड होगा। तो सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे जाने के बाद आपको वॉइस दिखेगा। वॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा ऑप्शन वहाँ पे कि अनलॉक विद वॉइस, तो वहाँ पे उसको इनेबल कर दीजिए और एक्टिव वॉइस अनलॉक को भी इनेबल कर दीजिए। तो ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको जाना है अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन वाले एरिया में, जहाँ पे आपने कोई भी पिन पासवर्ड या फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक एक्स्ट्रा लॉक इनेबल कर रखा है। तो वहाँ पे आपको जाके उसको हटाना है, क्योंकि ये गूगल का वॉइस असिस्टेंट आपके फ़ोन को तभी अनलॉक कर पाएगा जब आपने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर पिन पासवर्ड वगैरह ना लगा रखा हो। तो आपको बस उसको डिसेबल करना है। उसके बाद आपको बस अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आना है, अपने फ़ोन को लॉक कर देना है, पावर बटन दबाना है, आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑन होगी। उसके बाद आपको बोलना है ओके गूगल और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका फीचर गूगल असिस्टेंट वाला अनलॉक सिस्टम तभी काम करेगा जब आपने फ़ोन में कोई भी पिन पासवर्ड या फिंगरप्रिंट ना लगा रखा हो, क्योंकि ये उसको बाईपास नहीं कर सकता है। ये तभी काम करता है जब आपने अपने फ़ोन में कोई भी पिन पासवर्ड या फिंगरप्रिंट ना लगा रखा हो, और तब आप ओके गूगल बोलेंगे तो आपका फ़ोन ईजिली अनलॉक हो जाएगा। तो अब दोस्तों, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपने एक्स्ट्रा फीचर्स को टोटली हटा दीजिए, क्योंकि गूगल वॉइस असिस्टेंट पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार आपसे मिलती जुलती वॉइस किसी की अगर है तो वो भी अगर ओके गूगल बोले तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये वीडियो आपको सिर्फ बताने के लिए था कि किस तरीके से आपके फ़ोन में इस तरीके के और भी फीचर्स हैं जिनसे आप गूगल वॉइस असिस्टेंट से भी अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये फीचर आप यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कतें परेशानी होती नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। इस तरीके और वीडियो फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।